देखो, ग्लूकोज जब एंटर करता है, ग्लूकोज एंटर करता है सेल के अंदर, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, और यहां पे एटीपी एडीपी में ब्रेक हो जाता है और एक फॉस्फेट रिलीज कर देता है। एनर्जी रिलीज होती है और फॉस्फेट रिलीज होता है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहां पे जुड़ गया। इसके बाद क्या होता है, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। तो आइसोमरेज ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट पे कन्वर्ट कर देता है। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट फिर से फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से होता क्या है, एटीपी एडीपी में रिलीज होता है, एक और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और फर्स्ट कार्बन में भी फॉस्फेट ऐड हो जाता है। तो अब ये हो जाता है फ्रक्टोस 1,6 बाई फॉस्फेट। फ्रक्टोस 1,6 बाई फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, डीएचएपी जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग डीएचएपी बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डीएचएपी। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, तो G3P और डीएचएपी दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और ये आइसोमरेजेस की हेल्प से दोनों इंटर कन्वर्जन होता रहता है। लेकिन ग्लूकोज की फर्दर साइकिल में डीएचएपी इंटर नहीं कर पाता, ग्लूकोज की फर्दर साइकिल में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही इंटर करता है। तो यहां पर क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कम होता जाता है, जैसे इसका लेवल कम होगा वैसे डीएचएपी फिर से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एनएडी को एनएडीएच में कन्वर्ट करता है, मतलब यहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और यहां पर एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। एक्सक्यूज हाँ बेटा बताओ। मी सर, ये वाला समझ नहीं आया अभी जो आपने बताया ना, ग्लिसरल्डिहाइड वाला। कौन सा ग्लिसरडिहाइड वाला, ये आइसोमर वाला डीएचएपी वाला? तो यस सर, क्या होता है, देखो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता जाता है ग्लिसरडिहाइड 3 फॉस्फेट में और इसी का एक आइसोमर है डीएचएपी। तो यहां पर एक एंजाइम होता है एल्डोस। एल्डोस क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट को डीएचएपी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन डीएचएपी फर्दर आगे साइकिल में नहीं जा पाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डीएचएपी और जी3पी आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है ना। ये आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएचएपी को कन्वर्ट करता है जी3पी में, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज दैट यहां पर 30 मॉलिक्यूल इसके थे और 30 मॉलिक्यूल इसके थे। अब क्या हुआ, फर्दर रिएक्शन आगे हुई तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 30 मॉलिक्यूल्स में से फॉर एग्जाम्पल 24 मॉलिक्यूल आगे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे कितने बचे, 5 बचे। तो ये तो डिसबैलेंस हो गया है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्या होगा, डीएचएपी के कुछ मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में। क्लियर है, यस सर। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, लेकिन डीएचएपी आगे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में नहीं कन्वर्ट हो सकता, ठीक है। तो ये बात मैं कह रहा था, तो अब आप समझिए, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर से आप यहां पर देखिए, ये 6 कार्बन मॉल, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल था और ये किसमें, इसे 3,3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पर कि ये जो 3 मॉलिक्यूल, ये यहां तो यहां से 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल फर्दर आगे जाएंगे। अब क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट में। 1,3 बाई फॉस्फो जो ग्लिसरेट है, 1,3 बाई ग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 3C कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि
कि सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर सिर्फ फॉस्फेट का ग्रुप चेंज हुआ, पोजिशन चेंज हुई, है ना, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, एक एक फॉस्फेट आप देखें यहां पे क्या हो गया, हट गया, यहां से फॉस्फेट हट गया, एक यहां से फॉस्फेट हट गया। तो अब क्या हुआ, ये 3 फॉस्फो, तो फर्स्ट पोजिशन से दोनों के यहां से फॉस्फेट हट गया, तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पे थर्ड पोजीशन से फॉस्फेट की सिर्फ सेकंड पोजीशन में आ गया, ठीक है, काम करने वाला म्यूटेज एंजाइम है, तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेजेस एंजाइम को बोलते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, जिसको हम पीईपी कहते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एटीपी होता है और पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाइरुवेट फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। ये प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी, आपको ये याद रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस स्कूल पे भी पूछी जाती है, और ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन आते हैं नीट में भी, लेकिन स्कूल में तो टीचर 3 मार्क्स में पूछते हैं इसको, और आपको पूरा रट के ही जाना, कोई तरीका नहीं, ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक भाई। आपको ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाने, वो आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहो बना लो, लेकिन ये जो रिएक्शन है और बीच वाले जो रिएक्शंस के बीच वाले जो एंजाइम्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और सर ये जो नंबर लिखे हैं वो तो नहीं लिखने होंगे ना हमें? ना ना ना, वो तो मैं पहले हटा रहा था, वो तो ऐसे ही है, वो आपको नहीं लिखने। सर जी बताएं। सर अभी आपने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है? हाँ सिर्फ मैंने ये एक्सप्लेन किया है, सिर्फ बताया है इसको। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ इसको एक बार नोट कर लो, तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये रेड वाले नहीं नोट करने हैं, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बने हैं वो सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, और बाकी करने और बीच के जो एंजाइम्स है ये नोट करने, इतना आप लोग नोट कर लो। इसे साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ईएमपी स्टैंड्स फॉर एम्डन मेयरहॉफ एंड प्रॉम्स। तो एम्डन मेयरहॉफ और प्रॉम्स, इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया हुआ था, इसीलिए उसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। एक मिनट, यहां पे लिखेंगे ए डी पी से उल्टा लिखा हुआ है, ए टी पी बन रहा है, ए डी पी से ए टी पी बन रहा है। ए डी पी से ए टी पी का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो पैदा होंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे बनेंगे और दो यहाँ पे, दो तो चार माइनस माइनस दो, ठीक है ओके। सर बना लिया। ठीक है भाई, हो जाए तो भाई मैसेज करिएगा मुझे, अगर आप लोगों को हो जाए तो कर मैसेज करिएगा। हो गया भाई डन, सबने कर लिया, स्टार्ट किया जाए। यस सर। यस सर। देखिए ये जो मैंने ऊपर बनाया है इसको बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ये नीट के लिए जरूरी है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यहां पर
अब ये बैलेंस शीट है क्या चीज, देखिए यहां पर क्या है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है तो एक एटीपी खर्च हो जाता है, मतलब ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद फिर नीचे आइए, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहां ट्रांसफर हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो एक एटीपी और खर्च हो जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 2 एटीपी का, है ना। उसके बाद क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे कि जब ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, जब ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो 2 NAD से 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने आपको बताया था कि 1 NADH इज इक्वल टू कितना ATP? 3 ATP। वेरी गुड, 3 ATP। तो यहां पर 2 NADH बन रहा है, मतलब कितने ATP बन रहा है, टोटल 6 ATP बन रहा है। तो 6 ATP प्लस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्लस नीचे आते हैं, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो यहां पर फिर से 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो 2 ATP यहां बन गए। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP और बन जाते हैं। तो यहां पे भी उल्टा लिखा हुआ है, यहां पे लिखिए ATADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पे 2 ATP बनता है और 2 ATP यहां पे बनते हैं, टोटल 4 ATP हो गए। तो 4 ATP ये प्लस के यहां मैंने लिख दिए, 2 ATP खर्च हो गए, 10 ATP बन गए। तो इस बैलेंस शीट में 2 ATP माइनस कर देते हैं तो टोटल जो नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस में वो 8 ATP का होता है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसको जहां पे आपने ग्लाइकोलिसिस बना ली हो वैसे ही बना लीजिए जैसे मैंने बनाया। आप देखो जहां पर देखो यहां से लेकर के यहां तक है ना, और ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट DHAP। एक मिनट, यहां से लेकर के यहां तक है ना, इस पॉइंट तक, मतलब कि ग्लूकोज से लेकर ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट बनने तक को, इस वाली प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं यहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा प्रिपरेटरी फेज को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, है ना, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जो जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इसीलिए यहां एनर्जी पैदा होती है, हमको वापस एनर्जी मिल जाती है, इसीलिए इस वाले फेज को हम लोग बोलते हैं पे ऑफ फेज, क्योंकि बाद में हमें पे करती है वापस में, पहले एनर्जी ले लेती है और बाद में इसे एनर्जी कन्वर्जन फेज कहते हैं, कन्वर्जन फेज। ठीक है, ये इतनी चीज ग्लाइकोलिसिस की और याद रखिए। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से ग्लाइकोलिसिस आपको बता देता हूं जो मैंने अभी बताया। देखो होता क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज, यहां पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है जाकर के, देखिए ग्लूकोज यहां पर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में,
एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 6 वाले कार्बन पे ऐड हो जाता है और ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर से ये आइसोमरेज एंजाइम फंक्शन करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका आइसोमर है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और यहां पर फ्रक्टोकाइनेज करके एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज करके एक एंजाइम है, ये एटीपी को एडीपी में ब्रेक करता है, फिर से एक बार फॉस्फेट रिलीज होता है और ये फॉस्फेट पहले वाले कार्बन पे आके जुड़ जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल 2-3 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम टाइम फ्रक्टोज 1,6-5 फॉस्फेट एल्डोस नाम के एक एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम डीएचएपी कहते हैं। डीएचएपी और एक ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट जी3पी, तो डीएचएपी और जी3पी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीएचएपी फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट। कुल मिलाकर के आगे रिएक्शन में ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट ही एंटर करेगा, यही जाएगा, डीएचएपी रिएक्शन में आगे फर्दर एंटर नहीं कर सकता है। ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट एनएडी को एनएडीएच में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है और ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। दो मॉलिक्यूल बनते हैं यहां 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट के। फिर से एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और देखो एक फॉस्फेट कम हो गया, तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में अब यहां पर फिर से म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन होता है और जो फॉस्फेट का जो ग्रुप होता है थर्ड कार्बन से सेकेंड कार्बन में आ जाता है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट पे कन्वर्ट हो जाता है इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट पीपी में कन्वर्ट हो जाता है। पीपी फर्दर फिर से एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करता है, अपना फॉस्फेट ग्रुप छोड़ देता है और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट पाइरूवेट पे कन्वर्ट हो जाता है। पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा और फर्दर पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एंटर करने के बाद टीसीए साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाकर के सब्सट्रेट की तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट ये भी आइसोमर्स है ना? हाँ, एक दूसरे के आइसोमर्स है, मिरर आइसोमर्स है दोनों एक दूसरे के। देखो अब नोट करो, नोट करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे एज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चलो रिपीट करता हूं फिर से। ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे एज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एमडेन मैं थोड़ा सा जगह बना लूं इसको रिमूव करके यहां पे। एज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई EMBDN Amden, comma Meyerhof, MEYERHOF Meyerhof, Amden Meyerhof and Prans, PARNAS, Parnas, ठीक है, Parnas। तो एमडेन मेयरहॉफ परनास पाथवे इसको हम लोग बोलते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं।
राइट? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वेयर ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड with the help of 10 enzymes. Full stop. Next point. So with the help of two molecule of pyruvic acid with the help of 10 enzymes. Next point, glycolysis is again divided into two part, that is preparatory phase and payoff phase. Next point. In preparatory phase, glucose is broken down into G3P and consumption of 2 ATP takes place. Next point. Sir, 1 minute, sir. Broken down into? Broken down into glyceraldehyde, 3-phosphate and consumption of 2 ATP and consumption of 2 ATP takes place. Next. In payoff phase, glyceraldehyde. Sir, यार point भी repeat कर दो. हाँ. सर आपकी आवाज नहीं आई. आपने payoff से क्या बोला? In preparatory phase, glucose is. सर याद नहीं सर अभी जो start किया था वही. उसमें तो बोला कहाँ भाई उसको बोलने तो दो पहले. In payoff phase, glyceraldehyde, 3-phosphate is converted into pyruvate, where 4 ATP molecule and 2 NADPH molecule, 4 ATP molecule and 2 NADH molecule are produced. Next point. Sir? Huh?
सर वो NADH बोला आपने? हाँ NADH. ओके नेक्स्ट. इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द टोटल एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड is equivalent to 10 ATP molecule, where two ATP are consumed, hence sir ATP molecule के बाद क्या बोला आपने? Which is equivalent to 10 ATP, where 2 ATP molecules are consumed, hence in this process net gain of 8 ATP takes place. ये थी हमारी ग्लाइकोलिसिस. क्लियर है सबको? किसी को डाउट है कहीं पे? क्लियर है सर. ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं क्रेब साइकिल. तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस, मैं पहले सबसे पहले मैंने ये लिखवाया था कि ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता और रेस्पिरेशन या बर्निंग तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होने वाली है. अब यहां पर पाइरुवेट, अब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को, पाइरुवेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन परमिएबल है और पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये मैट्रिक्स में पहुंचेगा और मैट्रिक्स में डायरेक्ट पाइरुवेट भी टीसीए साइकिल या मतलब रेस्पिरेशन की जो साइकिल होती है उसमें एंटर नहीं कर सकता. पाइरुवेट पहले कन्वर्ट होगा एस्टिल कोएंजाइम ए में और उसके बाद एस्टिल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में एंटर करेगा. तो नेक्स्ट हम लोग जो लिखेंगे क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. देखिए तो पहले मैं इस बात को समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए. देखो अब ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, है ना. तो अब क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल है क्या? यही साइकिल है जिस साइकिल के चलने से कार्बन ग्लूकोज पूरी तरह से बर्न हो जाता है, मतलब पाइरुवेट, अब तो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है तो पाइरुवेट तरह से बर्न हो जाएगा और पाइरुवेट बर्न होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में. कुछ वाटर रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो, है ना. अब देखो यहां पर क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, पाइरुवेट. तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड था, ये कन्वर्ट हो गया है 3 कार्बन कंपाउंड में जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं. अब देखो पाइरुवेट क्या होगा, कोएंजाइम ए की हेल्प से एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा. एसिटल कोएंजाइम ए 2
2C कंपाउंड है, दो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि एसिटिल को एंजाइम ए अब फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, सिट्रेट में, है ना, सिट्रेट होगा, सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, ठीक है। तो सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर से आइसोसिट्रेट जो होता है ये कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अब यहां पे जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और डिकार्बोक्सिलेशन के साथ में एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फिर से क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। फिर से क्या होता है, एनएडी से एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। सेम जैसे एडीपी से एटीपी बनती है, वैसे जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहां पे भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब यहां पर सक्सिनिल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए अलग हो जाता है और ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनेट फिर से कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमरेट में। जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो एफएडी से एफएडीएच2 का फॉर्मेशन होता है, मतलब फिर से यहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, और मैलेट फिर से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सलो एसीटेट में। मैलेट जब ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो एनएडी से एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहां पे फिर से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एनर्जी जनरेट होती रहती है, एसिटिल को एंजाइम ए ऑक्सलो एसीटेट से एसिटिल को एंजाइम ए का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये 2C कंपाउंड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इस तरह से साइकिल चलती रहेगी, बर्निंग होती रहेगी, और ये जहां जहां जिन जिन पॉइंट में जो ग्रीन वाले पॉइंट है यहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्रेब साइकिल एंड दिस इज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली। एक भाई आप ये साइकिल बना लो, क्रेब साइकिल। सर साइकिल में सिट्रेट का क्या यूज होता है? साइकिल में सिट्रेट, तभी इसका नाम सिट्रिक एसिड पर, मतलब यूज क्या होता है ये साइकिल का? इंटरमीडिएट पाथवे में इंटरमीडिएट कंपाउंड है और कोई यूज नहीं। सर ऐसा कह सकते हैं कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें ये साइकिल ज्यादा चलती है या? ऐसा नहीं होता यार, कैसे थोड़ी ना कोई बात होती है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल चल रही है। और सिट्रिक एसिड तो सिट्रस फ्रूट में कुछ पर्टिकुलर सेल्स में पाया जाता है, पूरे नींबू में थोड़ा ना पाया जाता है। ओके ओके सर। नींबू की पत्तियां खट्टी होती हैं क्या? नो सर। तो सिट्रेट आइसोसिट्रेट कन्वर्ट,
सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। क्वांटिटीज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर क्या होता है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा ग्लूटरेट में, आइसोसिट्रेट अल्फा ग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रो अब क्या होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सेल इस कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, सक्सेल कोएंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजन, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्फा कीटो तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रो अल्फा कीटो ग्लूटर आप ये कन्वर्ट हो गया सक्सेल कोएंजाइम ए में। सक्सेल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सेल सक्सेनेट में, तो सक्सेल कोएंजाइम ए जब सक्सेनेट में कन्वर्ट होगा तो सिंथेसिस एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। अब सक्सेनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, सक्सेनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस का ठीक है, सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में। अब फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट फिर से कन्वर्ट होगा ऑक्सीडो एसिटेट में, मैलेट ऑक्सीजन मैलेट डिहाइड्रोजनेस ऑक्सीडोसिनेज ऑक्सीडो एसिटेट फिर से कन्वर्ट होगा।
6, 8, 10, 34, 38. नोट कर लिया? सर ये जीडीपी से कितना बनता है एटीपी? बताया था भैया, एक जीडीपी एटीपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं, दोनों सेम फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, ट्राई फॉस्फेट है, तीसरे फॉस्फेट कहीं पे भी ब्रेक होगा सेम एनर्जी रिलीज होगी। ओके सर। हो गया भाई सब लोगों का? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। देखो अब इस पूरी साइकिल में मैंने अभी आपको बताया कि ये 2NADH2 और 2 ATP का गेन हुआ हमको ग्लाइकोलिसिस में, बाकी 2 ATP, 8 NADH2 और 2 FADH2 ये हमें बना जाकर क्रेब साइकिल में, ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस से लेके क्रेब साइकिल दोनों क्या हैं? बोथ आर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों के थ्रू होता है, तो यहां पर देखो 2 ATP मिला, 8 NADH2, तो 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, तो 3 8 24 ATP हो गए। 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, 2 2 4 4 ATP हो गए, तो 24 + 4 28 हो गया, एंड 2 30, और 6 + 2 38। इस तरह से टोटल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बर्न होने में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। यस सर।
डन, नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लो, द क्रेब साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई, द क्रेब साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई हैंस क्रेब, वॉज डिस्कवर्ड बाई हैंस क्रेब। He got the Nobel Prize for the same. Next point. This cycle takes place in the mitochondria. It is also known as TCA cycle. It is also known as TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle. It is also known as TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle, or CAC, citric acid cycle, as they are the initial product of Krebs cycle. Next point, oxidation of pyruvate takes place to acetyl coenzyme A. Enters into mitochondria. सर कोएंजाइम ए के बारे में बोला आपने, एसिटल कोएंजाइम ए, देन इट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, हेंस अंडरलाइन करेंगे, हेंस एसिटल कोएंजाइम ए फंक्शन एज, एसिटल कोएंजाइम ए फंक्शंस एज substrate for TCA cycle. TCA cycle. Next, a molecule of glucose yield total 38 ATP. Sir, a molecule of glucose. Glucose yield 38 ATP molecule during aerobic respiration. ठीक है भाई? यस सर। किसी को डाउट यहां पे इसमें? नो। क्रेब साइकिल टीसीए साइकिल में? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आखिर एनर्जी बनती कैसे? जैसे हमने कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ी थी, सबस्ट्रेट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, फिर दोबारा से लीक आउट करते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ था, इन द सेम वे यहां पे भी देखते हैं, यहां पे भी वैसे ही होता है जैसे फोटोसिंथेसिस में हो रहा था।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देखो वन थ्री फोर एक मिनट मैं दिखाता हूँ. देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देखो ये हो गया मैट्रिक्स और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई. आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं. ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इन्हीं में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जिसको सिस्टम चलते हैं वो चलते हैं, ठीक है ना. तो ये को एंजाइम या इनको हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं. तो को एंजाइम और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस में देखिए इनमें से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स करते हैं. साइटोक्रोम जो सी है ये एक्सटर्नल सरफेस में पाया जाता है, ठीक है, मतलब ये पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स नहीं करता है. और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्यू है तो क्यू यहां लिपिड मेम्ब्रेन में ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये मूवेबल है. अब होता क्या है जब एनएडी से एनएडीएच बनता है तो ये एनएडी से एनएडीएच बनने में दो हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन के अंदर पंप आउट हो जाते हैं. उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स क्यू में, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यू इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता और ये हाइड्रोजन आयन नहीं पंप कर सकता. ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स टू है, इसको हम कॉम्प्लेक्स टू कहते हैं. तो कॉम्प्लेक्स टू हाइड्रोजन आयन पंप नहीं करता, अब ये कॉम्प्लेक्स थ्री को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है. जब कॉम्प्लेक्स थ्री के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर से हाइड्रोजन आयन को पंप आउट कर देता है, कहां, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में. उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास जाता है लेकिन यह भी हाइड्रोजन आयन को पंप नहीं कर सकता क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स नहीं कर रहा. लेकिन इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है किसमें, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोर में, तो फोर्थ सबस्ट्रेट में जब जाता है तो ये क्या करता है, ये फिर से दो हाइड्रोजन आयन को अंदर की तरफ पंप कर देता है. हाइड्रोजन आयन पंप हो गए तो देखो एनएडी से एनएडीएच बनने में कितने हाइड्रोजन आयन पंप हुए, छह हाइड्रोजन आयन. तो छह हाइड्रोजन आयन जब पंप हो गए तो इसकी वजह से एक एनएडी से एनएडीएच बनने में कितने, तीन एटीपी का फॉर्मेशन होता है. अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को फाइनली हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है. ये क्रेब साइकिल चल रही होती है और इस क्रेब साइकिल से ये एनएडीएच, एनएडी से एनएडीएच आया, एनडीएच आया कहां से, एनएडीएच आया कहां से, एनएडीएच आया है क्रेब साइकिल से. तो एनएडीएच का फॉर्मेशन क्रेब साइकिल से होता है. वही आप नीचे की तरफ देखिए, जब एफएडी होता है तो मैंने बताया कि एफएडी से एफएडीएच2 बनेगा तो इसमें जो एनर्जी जनरेट होगी वो एनर्जी होगी दो एटीपी के बराबर. अब देखो एफएडी ब्रेक होता है एफएडीएच2 में, सॉरी एफएडीएच2 ब्रेक होता है एफएडी में, दो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है तो अब कॉम्प्लेक्स 2 तो पूरा ट्रेवर्स नहीं कर रहा तो ये हाइड्रोजन आयन को पंप आउट नहीं करेगा. अब ये क्या करेगा, जब ये कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएगा तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाने के बाद दो हाइड्रोजन आयन पंप आउट हो जाएंगे. इसी तरह से कॉम्प्लेक्स जब फोर के पास पहुंचेगा तो फिर से फर्दर दो हाइड्रोजन आयन पंप आउट हो जाएंगे. इस तरह से एनएडी से एनएडीएच जब एनएडी में ब्रेक होता है या एफएडीएच टू एफएडी में ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रो हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं.
ये हाइड्रोजन अनपंप हो जाने की वजह से यहां पर पेरी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसमें लो पीएच क्रिएट हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहां बढ़ जाता है। पूरी मेम्ब्रेन में या किसी भी कॉम्प्लेक्स के थ्रू हाइड्रोजन आयन अंदर लीक आउट नहीं हो सकते। जैसे हमने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में पढ़ा था, इन द सेम वे हाइड्रोजन आयन जितने यहां पे आ चुके हैं वो सब हाइड्रोजन आयन गश करते हैं और लीक आउट होते हैं कहां से, एटीपी सिंथेस एंजाइम के। ये वही है जिसको आप ऊपर यहां पे एफ नॉट बोलते हैं और इसको एफ वन पार्टिकल बोलते हैं और हम लोग इसको ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं ऑक्सीजोम्स इनका जो हेड बना होता है वो एटीपी सिंथेस एंजाइम का बना होता है। जब हाइड्रोजन आयन लीक होते हैं कहां पर, जब हाइड्रोजन आयन दो हाइड्रोजन आयन लीक आउट होते हैं, तो दो हाइड्रोजन आयन के लीक आउट होने से एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझिए यहां पर चार एक एफएडी से एक एफएडीएच2 जब एफएडी में कन्वर्ट हुआ तो चार हाइड्रोजन आयन पंप इन हुए हैं, इसीलिए चार हाइड्रोजन आयन पंप इन हुए तो मतलब एक एफएडीएच जब टूटेगा तो दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही एनएडीएच जब एनएडी में कन्वर्ट हुआ तो छह हाइड्रोजन आयन पंप आउट हुए हैं। जब ये वापस छह हाइड्रोजन आएंगे तो हर हाइड्रोजन आयन के पेयर से एक एटीपी बनेगा, मतलब तीन एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये चीज जस्टिफाई करती है कि एनएडी से आखिर एक एनएडीएच से एक एनएडीएच टू बराबर थ्री एटीपी क्यों होता है, या एक एफएडीएच टू इज इक्वल टू टू एटीपी के बराबर क्यों होता है, ठीक है। और एटीपी तो एटीपी के बराबर होता ही होता है, राइट। So this is called electron transport chain. Clear है भाई? Yes sir. सही बनाना है। वो जैसे आपकी इच्छा, इससे बढ़िया डायग्राम तो मैंने नहीं देखा, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। Okay sir.
बना लिया क्या? बना लिया सर। नोट कर लो फिर थोड़ा सा इसमें भी लिख लो। नोट करिए। Inner mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane contain a group of electron and proton, contain a group of electron and proton transporting enzyme, a group of electron and proton transporting enzyme stop. Each enzyme is arranged each enzyme is arranged in a specific series comma this series is called electron transport chain this series is called electron transport chain or electron transport system. Or electron transport system. Next point. It have a series of coenzyme and cytochromes. And also includes some electron carriers. Next point. Quinone quinones are
हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर फुल स्टॉप इसी में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स वन टू फोर involved in electron transfer. ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सर इन्वॉल्व इन के बाद क्या बोला, सुनाई नहीं दिया. कौन वाला इन्वॉल्व इन के बाद? इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॉम्प्लेक्स वन टू फोर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इन्वॉल्व है एटीपी के सेंसेस में. ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीसी. और इसमें एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक एम्फीबोलिक पाथवे होता है, मतलब फर्मेंटेशन पढ़ाना है और एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ाना है. दैट्स इट, और ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट बेस को कंप्लीट करेंगे. और क्या रह रहा है इसमें, फिजियोलॉजी का एक चैप्टर और रह रहा है. फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन रह रहा है और प्लांट ग्रोथ रह रहा है. नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे इसके बाद. ठीक है भाई. सर आपने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा तो दिया था शायद. ए, पढ़ा दिया क्या? हाँ सर, शायद मैंने देखा था थोड़ा सा. नो सर, नहीं पढ़ाया. नहीं पढ़ाया अभी. इस बेस में नहीं पढ़ाया, किसी और बेस में पढ़ा दिया होगा. इसमें नहीं पढ़ाया मिनरल न्यूट्रिशन, नहीं पढ़ाया. और ग्रोथ नहीं पढ़ाया. ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा दूंगा इसके बाद, फिर प्लांट ग्रोथ पढ़ा दूंगा, है ना. और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट. हाँ जी बताइए. सर एक क्वेश्चन था. बताओ. मैंने आपको व्हाट्सएप भी भेजा था पर आपने देखा नहीं. अच्छा, मैं देख रहा हूं. आज सुबह से क्लासेस थी एक्चुअली, क्या मैं देख नहीं पाया. अच्छा, सभी को बात है सर. मैं भी देख नहीं पाया. सर तो मैं यही पूछ लूं? हां पूछ लो. सो एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर मुझे एकदम क्लियर था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैंने गूगल कर लिया. सो वो क्वेश्चन था कि मतलब जो सोडियम ग्लाइकोलेट होता है वो बाइल सॉल्ट में होता है ना सर? हाँ. तो सर वो सेक्रेट होता है, तो उसको रेगुलेट कौन सा एंजाइम करता है? तो सर सेक्रेटिन करता है. मैंने आंसर भी सेक्रेटिन डाला था, बट फिर मैंने एक बार जब पेपर देने के बाद चेक किया. देखो देखो, सेक्रेटिन एंजाइम कहाँ है? ड्यूडेनम में. सेक्रेटिन एंजाइम ही नहीं है, सेक्रेटिन क्या है? नहीं सर, वो क्या है, क्या है वो हार्मोन है ना? हार्मोन. हाँ सॉरी सर, हाँ सॉरी सर, हार्मोन है तो वो रेगुलेट करवाता है सर. तो सर उसके बाद से मैंने जब गूगल किया तो उधर वो बता रहे थे कोलियोसाइटोकिनिन करता है बाइल सॉल्ट का रेगुलेशन. देखो कोलियोसाइटोकिनिन सही बात है, बाइल सॉल्ट को कोलियोसाइटिस. कोलियोसाइटोकिनिन जो है ये क्या है, ये एक तरह का एंजाइम है, समझे? तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के रिलीज करने के लिए पुश करता है, समझे ना, ऐसा रिलेशनशिप है. तो यहाँ पर क्या होता है, कोलियोसाइटोकाइनिन क्या करता है, इसको पुश करता है. लेकिन कितने अमाउंट में रिलीज होना है, कितना रिलीज होना है, कब रिलीज होना है, ये सिक्रेटिन कंट्रोल करता है. मतलब देखो कोलियोसाइटोकाइनिन तो उसको क्या करेगा, पुश कर देगा. ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट को रिलीज होने के लिए पुश कर देगा, है ना, ये एक्टिवेट करेगा. लेकिन उसको कब तक रिलीज होना है ये कोलियोसाइटोकाइनिन डिसाइड नहीं करेगा. बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अलग ये ना ये कोलियोसाइटोकाइनिन उसको और कब कब इसको बंद हो जाना है ये भी कोलियोसाइटोकाइनिन नहीं करेगा. ये कब इसको स्टार्ट होना है
ये भी नहीं करेगा, ये जितना मतलब इसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो सिक्रेटिन करेगा, ठीक है ना, लेकिन इसको जो पुश करने का काम करेगा, इसका एक्टिवेटर का जो काम करेगा वो कोलिसाइटिन करेगा। कोलिसाइटिन करेगा, तो ये तो आंसर सेक्रेटिन ही डालना है ना? हाँ, इसका आंसर सेक्रेटिन होगा। ओके सर, चलो ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, ये खास फील अब करने आए हैं। चलिए ठीक है, राइट, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे करेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम बेटा, बाय बाय ऑल ऑफ यू।